नमस्कार, वेलकम यू ऑन वी के स्टडी सर्कल चैनल। तो जयशंकर की सर्जिकल स्ट्राइक, जी हाँ, रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था कि जयशंकर जी ने डायरेक्टली कह दिया था अमेरिका को कि हमें मूर्ख मत बनाइए। तो जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और क्या है F-16 डील जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हु ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर आशा पारेख। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिका गए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पहले स्पीच दी, उसके बाद वो 3 डेज वहीं पर रहेंगे और वहाँ की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट के साथ जो वार्तालाप करेंगे। तो उसी एक वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में F-16 की डील हुई है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि F-16 का कहाँ और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि आप इस प्रकार की बातें कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि जो F-16 की डील है ये आतंकवाद को काउंटर करने के लिए है, पर ये हर कोई जानता है कि ये इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा। तो यहाँ पर आप नव भारत की एक कटिंग ले सकते हैं कि मूर्ख मत बनाइए, पता है F-16 का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाता है। US पाकिस्तान की दोस्ती पर जयशंकर ने की सर्जिकल स्ट्राइक। तो F-16 एक फाइटर जेट है जो बहुत ही एडवांस स्टेज का फाइटर जेट है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये मैं नहीं, एस जयशंकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी अमेरिकी पॉलिसी मेकर से बात करता तो मैं उसे कहता कि देखिए आप क्या कर रहे हैं। ये बात मुझे भी आपसे कहनी चाहिए कि देखिए आप क्या कर रहे हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो जी न्यूज़ की कटिंग है, US पाकिस्तान की दोस्ती पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा बेवकूफ़ मत बनाइए। क्योंकि इस वक्त US और इंडिया के रिलेशन बहुत ही गोल्डन ईरा में चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। अगर US ऐसे कदम उठाता रहा तो जल्द ही हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद वाशिंगटन की दोस्ती की, तो इमरान खान के बाद पाकिस्तान में जब से शहबाज शरीफ की सरकार आई है तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में नज़दीकियां बढ़ गई हैं। इसका परिमाण ये है कि उन्होंने F-16 की डील जो लगभग 45 करोड़ डॉलर की है वो उन्होंने अनाउंस कर दी है पाकिस्तान के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने पहुँचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात बाइडेन से भी हुई। आपको बता दें कि बाइडेन ने कभी भी इमरान खान से ऐसी मुलाकात नहीं की थी, इवन उन्होंने उनको एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया था। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की मजबूती पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के संबंध अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि जयशंकर ने ये भी कहा कि यह एक ऐसा रिश्ता है जिससे ना पाकिस्तान को लाभ हुआ और ना ही अमेरिका को कुछ फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर आप कटिंग देख सकते हैं कि अमेरिका प्रूव 450 मिलियन F-16 फ्लीट सस्टेनेबल टू पाकिस्तान फॉर काउंटर टेररिज्म। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि उन्होंने ये डील टेररिज्म को काउंटर करने के लिए की है, पर इसका खुलासा जयशंकर जी ने कर दिया। उन्होंने एक टूक शब्द में कह दिया कि आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। तो जयशंकर ने आगे बढ़ते हुए अमेरिका को कहा कि अमेरिका को आज से इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते में क्या खास है और उसे इससे क्या हासिल हुआ। जब पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिला तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट जाहिर किया। वहाँ के जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, तो उनके पास हमने एक प्रोटेस्ट जाहिर किया, पर इस पर अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए F-16 के रखरखाव के लिए उन्होंने पैकेज को मंजूरी दी है और इस्लामाबाद को वर्तमान तथा भविष्य में आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए उनको सुदृढ़ बनाने के लिए पैकेज दिया गया है। तो यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स की भी एक कटिंग देख सकते हैं, एज US अप्रूव पैकेज फॉर पाकिस्तान F-16 फ्लीट इंडिया रजिस्टर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। तो F-16 की डील पर जब जयशंकर जी ने सवाल उठाए थे कि हमें मूर्ख मत बनाइए, तो इस पर अमेरिका का जवाब आना भी लाजमी था। तो अमेरिका में सफाई देते हुए कहा
कि भारत और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अलग अलग तरह के हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिनका नाम है नेड प्राइस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध के एक नज़रिए से नहीं देखते, अलग अलग बिंदुओं पर दोनों ही देश हमारे पार्टनर हैं। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस भी कटिंग दे सकते हैं, US रिस्पॉन्ड टू जयशंकर कमेंट ऑन F-16 सेल्स टू इस्लामाबाद, वी लुक टू इंडिया एंड पाकिस्तान एज पार्टनर। With Pakistan stands on its own. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के सहयोगियों के रूप में देखते हैं क्योंकि कई मामलों में हमारे सिद्धांत एक जैसे हैं। भारत के साथ हमारा संबंध अलग है और पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध अलग है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की परवाह नहीं है तो वह भारत और रूस के रिश्तों पर सवाल क्यों उठाता है। तो इसी बात पर मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो सही कर रहा है या फिर हमें भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए। तो USA ने इसी मामले में ध्यान देते हुए कहा पाकिस्तान को कि आप भी अच्छे टाइज मैनेज करिए इंडिया के साथ। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि इंडिया और US कितनी डीपली एंगेज हो चुके हैं। तो ये बहुत ही दो ग्रुप बने हैं रिसेंटली, इसमें एक ग्रुप है क्वाड और दूसरा है I2U2। तो क्वाड ग्रुप में आप मेनली चार कंट्रीज आती हैं, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें मेनली इंडो पैसिफिक फोकस किया जा रहा है। और जो सेकेंड ग्रुप है I2U2, इसमें I2U2 में इंडिया, इज़राइल, UAE एंड USA ये कुछ कंट्रीज़ हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप है इकोनॉमिक पॉइंट से, डिफेंस पॉइंट से। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों को संभाल के रखें और US के लिए भी ज़रूरी है कि वो ऐसे कदम ना उठाएं जिससे हम दोनों के रिश्तों में कोई खटास। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि हु ऑफ द फॉलोइंग रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022। तो आपके पास ऑप्शन सी दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर आशा बारिक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आशा बारिक। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।